हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। आज का दिन खास है दो चीज़ों के लिए। आज है 19 जून 2022, आज फादर्स डे है, और जो सेकेंड चीज़ है वो मेरे लिए इमोशनली खास है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में मुझे अकेला देखा होगा या मेरे बहुत सारे साइकिलिंग बडीज़ है जो मेरे ग्रुप का पार्ट है, बट आज मेरे साथ और एक साइकिल है, और ये साइकिल है फेवरॉन। आप इसके साइज से ही समझ सकते हो कि ये कोई किड साइकिल है, जूनियर की साइकिल है, और साइड में मेरी बड़ी साइकिल देख सकते हो। और यहाँ पे जो किड बैठा हुआ है, इसका नाम है आयुष। लाउडली आयुष। आयुष, यस। सो यस, दिस इज माय सन आयुष, और आज फादर्स डे के दिन पे मैं और आयुष आए हैं साइकिलिंग के लिए। आयुष की आज फर्स्ट राइड है, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि अभी तक उसने बहुत अच्छी तरीके से साइकिल चलाई है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही उसने रोड पे साइकिल चलाई है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक गुड लिसनर होना भी उतना ही ज़रूरी है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। मतलब आज मैं उसके लिए एक डैडी का काम नहीं कर रहा हूँ, एक कोच का काम कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल राइड। आज स्पेसिफिकली मैंने इवनिंग राइड की हुई है, ताकि यहाँ से जाके हम थोड़ा सा फादर्स डे का सेलिब्रेशन भी कर पाए। हम गोराई में हैं और हम बर्फ में जाके थोड़ा सेलिब्रेशन भी कर पाए। बट ये सब करने से पहले जो हमने प्रिपरेशन किए थे, माइट बी जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या जो सब्सक्राइबर्स मुझे देख रहे हैं, उनको भी ये लगता होगा कि मेरा भी किड मेरे साथ ऐसे साइकिलिंग करे। तो ये साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने फैमिली के साथ साइकिलिंग करो, बट उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस भी लेने उतने ही ज़रूरी है। जैसे मैंने ये साइकिलिंग राइड लेने से पहले कुछ प्रिपरेशंस किए थे, आयुष को मैंने पैडेड इनरवेयर दिया था, जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा था, आप बैकग्राउंड में वो क्लिपिंग्स भी देख सकते हो। वो होने के बाद मैंने उसका खुद से ही टी शर्ट्स भी डिसाइड किया था कि वो टी शर्ट क्या पहनेगा। आयुष के हाथ में आप देख सकते हो कि मैंने मेरे स्कॉट के ग्लव्स उसको दिए हुए हैं, ताकि अगर वो गिर भी जाता है तो एटलीस्ट पाम को प्रोटेक्शन रहे। देन हेलमेट मैंने स्पेसिफिकली एडजस्ट कर लिया था उसके लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा एक्स्ट्रा मटेरियल या ये बैंड जो है इसका, ये बाहर निकला हुआ है, तो मैंने स्पेसिफिकली एडजस्ट करके काफ़ी फिट बिठा दिया है। शूज़ मैंने उसको पहना दिए हैं, और निकलते वक्त टायर प्रेशर मैंने चेक कर लिया, एक बार ब्रेकिंग चेक कर लिया था, ल्यूबिंग भी मैंने उसके साइकिल को अच्छे तरीके से कर लिया था, और मैंने स्पेसिफिकली उसको बोला था कि एक बिल्डिंग का पहले राउंड ले ले और देख ले कि तू कंफर्टेबल है क्या ये साइकिल पे, ये साइकिल में कोई तो टेक्निकल इशू नहीं है या प्रॉब्लम तो नहीं है, तो स्मूथली साइकिल चल रही है। उसने भी एक बार इंश्योर हो गया था। वो इतना सारा प्रिकॉशंस लेके मैंने उसको यहाँ पे लाया है। एंड अगेन, जो रूट आप ले रहे हो वो रूट का थोड़ा नॉलेज आपके साथ, अगर किड आ रहा है तो उसको वो मैप, रोड मैप उसके दिमाग में पहले से ही बिठा दो कि कहाँ से कैसे ट्रैवल करना है। बीच में अगर फेरी भी लेना है तो वो फेरी आएगी, वहाँ पे हमें चढ़ना है, उतरना है, कहाँ से लेफ्ट है राइट है, थोड़ा सा जो मैप है वो भी आप दिमाग में बिठाना अपने किड के, जब भी आप ये राइड ले रहे हो। तो ये छोटे मोटे टिप्स थे जो शेयर करना चाहूँगा। शायद मैं उसके कुछ राइडिंग के सिनेमैटिक क्लिप्स ले लूँ, वो आप इंजॉय करना। एंड रही बात साइकिलिंग की, तो आज मजा आने वाला है। सो आयुष, यू आर एंजॉयिंग वेरी मच? तुला खूब मजा येते? एकदम। ओके, आई एम ऑल द सेंस दैट यू कैन कन्फेस, आई एम जस्ट योर गोस्ट इफ वी नॉट अनड्रेस्ड, पार्ट ऑफ मी विश दैट वी नेवर मेट, बट यू एक्ट लाइक वी नेवर got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them, they were feelings, and now you deny. तो आज की इवनिंग राइड है, तो मैंने ये भी प्रिकॉशंस लिए थे कि आयुष को जो मेरी सिग्मा बस्टर लाइट है, हेडलाइट, वो भी आगे लगा दिए, क्योंकि जाते जाते आई एम श्योर कि थोड़ा अंधेरा होने वाला है, और वैसे भी मॉनसून चालू हो गया, तो आप देख सकते हो इट इज़ वेरी प्लीजेंट क्लाइमेट, बट उसके साथ साथ एक अंधेरा भी, थोड़ा सा डार्कनेस ये फ्रेम में आपको दिख सकता है। तो पीछे भी मैंने इसकी टेल लाइट भी लगा दी है, विच इज़ ब्राइट। तो श्योर करना कि अगर आप किड्स को अपने साथ लेके जा रहे हो तो हेडलाइट का भी उस पर प्रोविजनिंग कर देना साइकिल पे। और रही बात साइकिल की, तो साइकिल की मैं ये फीचर्स बता देता हूँ फटाफट। ये जो फेवरॉन की जो साइकिल है, स्पेसिफिकली किड ज्योमेट्री में आती है, और किड फ्रेम में इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अभी अवेलेबल है। जो मॉडल नेम है इसका आप देख सकते हो, फेवरॉन 26,
एक्सट्रीम डीएक्स करके ये मॉडल है इसका, और स्टील फ्रेम है ये पूरा। इट इज़ नॉट अ अलॉय स्टील फ्रेम है, तो थोड़ा हेवियर साइड में है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी साइकिल हो, कोई भी ब्रांड की साइकिल हो, इसके ऊपर अगर आपके शिमानो के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे शिमानो के शिफ्टर्स दिए हुए हैं, ओके, और यहाँ पे पीछे शिमानो का टॉर्नी गियर सेट दिया हुआ है, आगे भी टॉर्नी टीजेड है, टॉर्नी से टीजेड और भी थोड़ा सा लो लेवल पे आ जाता है। तो बेसिकली मुझे यही कहना है कि कोई भी ब्रांड की साइकिल हो, उसके ऊपर अगर शिमानो के कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं तो प्राइसिंग थोड़ी हाई हो जाती है। इसमें मैकेनिकल डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स है, मैकेनिकल है, यहाँ पे पूरा वायर दिया हुआ है विच इज़ गिविंग वेरी गुड स्टॉपिंग पावर। इसमें क्विक रिलीज भी है विच इज़ वेरी यूजफुल। अगेन फीचर्स, तो फीचर से ये बाइक पावर पैक है, तो इसका प्राइसिंग भी थोड़ा हाई एंड पे आता है। ये 20,000 या 21,000 के आसपास इन बिटवीन आपको मिल जाएगी, रेट थोड़ा सा वेरी हो सकता है। जो शॉक्स दिए हुए वो प्रीलोडेड शॉक्स है, इसमें कोई एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो फर्दर। सो इट इज़ वेरी गुड किट साइकिल, फेवरॉन ब्रांड है। और ये ब्रांड के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्नेल ब्रांड आपने सुना होगा, ये पूना बेस्ड ब्रांड है। स्नेल ब्रांड के कंपनी ने ही नहीं बोल सकता, उनका कुछ सर्टन क्या बोलूँ मैं, पार्ट है वो सेपरेट हो गया था, और जो सेपरेट हुआ है पार्ट, वो पार्ट ने ये फेवरॉन करके ब्रांड निकाला हुआ है। सो आप इस पर रिलाई कर सकते हो क्योंकि उनको सारा स्नेल का एक्सपीरियंस है, और ये साइकिल्स भी बहुत अच्छी है। भी क्या है आयुष, तो आज हमारी पहली राइड है, एंड व्हाट अ क्लाइमेट, आप देख सकते हो बारिश भी हो रही है और सामने पूरा अरेबियन सी, और यहाँ पे अच्छा खासा शेल्टर भी हमें मिल गया है आज, सो वी आर लकी। और साइकिल्स यहाँ पे पार्क कर दी है अभी, और यहाँ रुके ही है तो आयुष से हम कुछ इंटरेक्शन भी कर लेते हैं कि उसको साइकिल के बारे में क्या क्या पता है। मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे मम्मी डैडी होते हैं, उनकी कुछ चीज़ें अपने बच्चे लोग सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली, उनको बताना नहीं पड़ता। सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू आयुष कि साइकिल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेट्स से कि उसको पता है क्या कि साइकिल में क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फ्रेम थोड़ा सा वेट लुक दे सकता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मे बी लेंस पे पानी के छींटे आती रहेगी, बट नेवर द लेस वही मज़ा है, रॉ थोड़ी मज़ा कर लेते हैं। सो आयुष, मैं तुम्हें कुछ साइकिलिंग के पार्ट्स पूछूंगा, मुझे तुम ये साइकिल पे बताना है कि वो पार्ट्स कहाँ पे है, करेक्ट? सो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल थिंग्स, ओके? हैंडल बार, ओके, ब्रेक्स, ओके, ये ब्रेक है, ओके, डिस्क ब्रेक, ये डिस्क की ब्रेक है, करेक्ट? परफेक्ट। देन डिस्क का कैलिबर जो पकड़ता है डिस्क को, पीछे के साइड, परफेक्ट। सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है, और मेरा सस्पेंशन एयर सस्पेंशन है, पता है ना, और तुम्हारा स्प्रिंग वाला, ओके, ठीक है। क्रैंक सेट, करेक्ट, ये पूरा पार्ट को क्रैंक सेट बोलेंगे। टॉप ट्यूब, ये टॉप ट्यूब हो गया। बॉटम ट्यूब, ये बॉटम ट्यूब है। सीट पोस्ट ट्यूब, ये सीट पोस्ट ट्यूब हो गया। सीट पोस्ट, ये सीट पोस्ट हो गया। ग्रुप सेट, ये ग्रुप सेट है, नहीं, ग्रुप सेट कहाँ पे, ग्रुप सेट गियर्स कहाँ पे होते हैं, गियर्स, ये ग्रुप सेट, करेक्ट। चेनरिंग वो है, करेक्ट। चेनरिंग फिर से दिखाना कहाँ पे, ये चेनरिंग और ग्रुप सेट, ये ग्रुप सेट, ओके। चेन यहाँ पे आ गई। क्विक रिलीज कहाँ पे होता है, क्विक रिलीज है, ओके, सो नाइस, आज तुम्हें पार्टी मिलेगी, ओके, पूरा बिक गया, ओके, साइड में आ जा। सो ये था थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन आपके लिए, मुझे पता है बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चंस थे, बट सी उसको मैंने ये सब कुछ सिखाया नहीं था। मेरा डे टू डे जो क्लीनिंग एक्टिविटी होता है उसमें आयुष इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करता है, और वो ऑब्जर्व करता है कि
पिताजी एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. सो एटलीस्ट उसको ये पता है कि साइकिल के पार्ट्स बच्चों को नोन होना उतनी ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो साइकिलिंग कर रहे हैं तो. दैट विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट इंटायर कंपोनेंट्स और साइकिल क्या चीज़ से बनी है. अगर वो फ्यूचर में साइकिलिंग करना चाहते हैं तो क्या पार्ट्स होते हैं, और अगर वो माल फंक्शन भी करते हैं तो धीरे धीरे वो सीख जाते हैं कि कैसा रिपेयर करना है. कभी कभी ये डरा देता है मुझे, और मैं आपको एक क्लिप शेयर करना चाहूँगा. इसके साथ चलाते चलाते मैं एक बार गिर भी गया था, क्योंकि इसके मैं पीछे चला रहा हूँ. और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, बी कॉशियस, कि आपका किड साइकिल चलाते चलाते आपके बीच में आ जाए और आप गिर भी जाओगे. सो ये क्लिप मैं आपके लिए स्पेसिफिकली डाल रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखें. एंड आपके किड के साथ अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो पंक्चर किट ज़रूर कैरी करना. जैसे मैंने आज बैग कैरी किया हुआ है, आप देख सकते हो. सो एयर पंप, एक ट्यूब और पूरा पंक्चर किट, पैच लगाने का जो पूरा किट होता है वो भी मैंने लेके रखा है. क्योंकि यू नेवर नो, आप अकेले हो तो आप मैनेज कर सकते हो, बट आपके साथ अगर कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो हमेशा कैरी करो. That you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Now you kissed me in the backseat of a taxi ride, and we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. तो आफ्टर एन्जॉइंग गुड क्वालिटी टाइम एट बर्ब, गुराई में अगर आ रहे हो तो बर्ब एक प्लेस है, एक जॉइंट है. आप पीछे मेरे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा जॉइंट है. बहुत ही ऑसम स्नैक्स मिलता है यहाँ पे, बर्गर, हॉट डॉग. अगर आपको मोमोज खाने हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो. सो फादर्स डे का जो एंड सेलिब्रेशन है, जहाँ पे सेरेमनी आप बोल सकते हो, हमने बहुत सारा बर्गर, हॉट डॉग्स, पिज्ज़ा खा के आज सेलिब्रेट किया है. थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने बीच में डाल दिए थे आपके लिए, वो आपने देखे होंगे. और मज़ा आ गया, आयुष को भी मज़ा आया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज कि आयुष ने जब से साइकिल सीखी है प्रॉपरली, मतलब बिल्डिंग के सराउंडिंग में वो साइकिल चला रहा था, आज फर्स्ट टाइम फादर्स डे के ओकेजन पे 19 जून 2022 को मैं और आयुष आज में हमारी फर्स्ट हिस्टोरिकल राइड आप बोल सकते हो. मतलब जब भी मैं थोड़ा और क्या बोलूँ, मैं एज मेरा होगा और आयुष भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और तब जाके हम ये व्लॉग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमें हैप्पीनेस फील होने वाला है. करेक्ट आयुष? बहुत मज़ा आया तुम्हें भी? एकदम मज़ा, बहुत मज़ा आया. सो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट राइड. इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट राइड. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइज़न्स. अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना. ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और थोड़े से इमोशनल व्लॉग्स मेरे चैनल पे आते रहते हैं. बाय बाय.